बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम जी जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें डिस्कस की थी पहले थोड़ा सा उनको देख लेते हैं उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज दैन फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा पीछे से हम रिव्यू ले, ले लेते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर में चीज़ें जो डिस्कस की थी वो क्या थी भाई हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की जैसे कि प्रोग्रामिंग क्या है सी लैंग्वेज क्या है आईडीई क्या होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसको अभी हमने रन नहीं किया था इसको यूज़ करके नहीं देखा सो आज इसको यूज़ करके देखेंगे हमारा जो पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ड हम उसको यूज़ करेंगे उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज हम कुछ हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे सी लैंग्वेज के कि बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है उसकी क्या स्टेप्स हैं स्ट्रक्चर क्या है तो थोड़ा सा हमने देखा था उसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को देखा कि ये क्या चीज़ है लिंक सेक्शन डिक्लेरेशन देन सो ऑन सो so, उसके बाद जो हमारा आज टॉपिक है बेसिकली लैब टू डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इस लैब में हमने दो चीज़ों को कवर करना है हमने अंडरस्टैंड करना है वेरिएबल्स को कि वेरिएबल क्या हैं लाइक करेक्टर इंटीजर फ्लोट ये क्या चीज़ें हैं और हमने अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसमें वैल्यू को जो है असाइन कैसे करते हैं ये जो मतलब ये दो चीज़ें जो है हम इनको कवर करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं पहले तो हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं ना हेलो वर्ड का इस इसको, इसको स्टार्ट करने से पहले टर्बो टर्बूस ओके आपने फाइल में आना है टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद न्यू फाइल ओके सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन करता हूं। विद हेल्प ऑफ कमेंट लाइंस ये मैंने कमेंट लाइन यूज किया है ताकि जो अब मैं प्रोग्राम करूंगा जो अब लिखूंगा मैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ओके okay. भाई मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम ओके तो ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किया एक तरह से कि भाई मैंने बताया कि जो मेरा पहला प्रोग्राम है तो और उसको मैंने कमेंट्स में लिखा कमेंट्स में इसलिए कोई भी चीज हम कमेंट्स में इसलिए लिखते हैं कि अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना हो उसको रन नहीं करवाना हो तो हम क्या करते हैं उसको अच्छा वो बत, मतलब लिखना भी लाजमी हो मतलब कहीं कहीं पर हो सकता है ना कि जब हमारे पास बड़े से प्रोजेक्ट होंगे या बड़ा सा प्रोग्राम होगा तो वहां पर सो माई फर्स्ट प्रोग्राम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे लाइक इंक्लूड कॉन अब ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं इसका भी पूरा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस कुछ हैं उसमें डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि भाई ये हम किस लिए यूज करते हैं इसके बस मेन मेन चीज़ें फिलहाल समझते हैं बाकी इसको डीप में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे चलें जी तो ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया जो कि लाजमी है कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं हेड्रोफ्स जो कि हमने लिखीं अब कोई और स्टूडियो लिखने का मकसद ये है कि इनके अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड है प्री डिफाइंड उन उन, उन में से कोई हम फंक्शन यहाँ पर नीचे यूज करेंगे जस्ट लाइक भाई हमने क्या करना है प्रिंट करना है क्या हेलो वर्ड को तो सपोज हेलो या कोई नाम जैसे मैंने यहाँ फिलहाल हेलो वर्ड किया या चले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हलार ठीक है तो बेसिकली ये क्या है फंक्शन प्रिंट एफ क्या है फंक्शन अब फंक्शन की यहाँ कुछ यूं है कि फंक्शन ग्रुप ऑफ क्या होता है इंस्ट्रक्शन होता है मतलब ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ इंस्ट्रक्शन टास्क जो के साथ में मिलके परफॉर्म होते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एफ एक फंक्शन है अब फंक्शन ने क्या चीज परफॉर्म करनी है अब वो क्या चीज है वो हेडर फाइल में होता है बेसिकली ना तो प्रिंट एफ जो है वो स्टूडियो से आया है ये हमें कैसे पता लगा ये आपको पता लग जाएगा अब मैंने क्या किया स्टूडियो को क्या किया हेडर फाइल्स को कमेंट्स uh, में लिखा अब जरा मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ तो इधर आ रहा है कि फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप एक तरह से ये पूछ रहा है कि प्रिंट एफ कहाँ से आया भाई प्रिंट एफ की जो है डेफिनेशन uh, क्या है तो बेसिकली जो प्रिंट एफ की डेफिनेशन है वो स्टूडियो के अंदर है वो डिफाइन किया गया है ना कि प्रिंट एफ ने क्या काम परफॉर्म करना है अब यहाँ पर हमने लिंक लगाया हुआ है एक तरह से कि भाई स्टूडियो के अंदर जो प्रिंट एफ है या जितने सारे फंक्शन है अब यहां पर हम उनको यूज कर सकते हैं तो उनका भी एक सिंटेक्स होता है सिंटेक्स मीन्स लिखने का तरीका कि अगर मैं इसको पी को बड़ा कर देता हूं तो एरर है देखें फंक्शन प्रिंट है आपको सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है है आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल रख रहे हैं तो ज्यादातर जो कोड आप लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा ओके okay. सो so, अब यहाँ पर हमने दो हेडर फाइल्स को यूज किया है दूसरी हेडर फाइल्स हमारे किस काम की है लाइक like कोनियो जो पेन में अच्छा पहले लिख रहे हैं या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay. और बार बार लिखना भी लाजमी नहीं है बस आप एक बार लिखें उसमें जितने सारे फंक्शन हैं आप यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ को दस बार यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं तो मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दे नज़र आ रहा होगा हल लिखा हुआ है लेकिन एक ब्लू स्क्रीन भी आपको नजर आ रही छोटी सी इसको भी हम खत्म करते हैं क्यों अच्छा अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ अब दो बार हला लिखा हुआ है अगेन कंपाइल अब तीन बार अब हो ये रहा है कि यहाँ पर जितनी बार मैंने कंपाइल किया उतनी बार जो हमारा टेक्स्ट था जो प्रिंट एफ में हमने लिखा था वो क्या हुआ डिस्प्ले हो रहा था अच्छा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इन्वर्टेड कामा का इन्वर्टेड कामा के अंदर आप जैसा जो भी लिखेंगे वो वैसे ही आएगा अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगा ये देखें एरर है तो मैं अगर इन्वर्टेड कामा प्रिंट एफ के अंदर फिर इन्वर्टेड काम आपको यूज़ करने होंगे आप उसमें एज इट इज जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ वैसा का वैसा शो होगा डिस्प्ले हो 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 होगा हो रन टाइम पे ओके तो अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ एक तो देखें फोर टाइम्स जो है हाला लिखा हुआ है बट हमने तो वहां पर एक मरतबा लिखा हुआ है अभी ये हो क्या रहा है अब इसको ज़रा तो हम समझें कि भाई जो प्रोग्रामिंग का फ्लो है ना वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना कि भाई हमने जब इसको फर्स्ट टाइम रन किया था तो भाई हेडर फाइल ने अपना काम किया देन प्रिंट एफ ने अपना काम किया प्रिंट एफ ने अपना काम क्या किया कि हलार को प्रिंट कर दिया अब उसके बाद एक गेट से एक और फंक्शन यूज़ किया है अगर इस फंक्शन को मैं यूज़ नहीं करूँ फॉर सपोज़ मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ तो ये देखें बहुत ही फास्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन रुक नहीं रही ठीक है तो वो बहुत ही फास्ट हो रहा है एक्चुअली काम हो रहा है बट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमें नज़र नहीं आ रहा तो गिट्सकेच एक्चुअली क्या करता है कि एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी की की जो है वेट करता है सही है कि भाई जब तक आप कोई भी की हिट नहीं करते तो वो एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी तो ये गेट स्केच का काम है हम इसको होल्ड करवाने के लिए एक तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल लेकिन इसका जो काम है वो है गेट कैरेक्टर जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा किसी भी फंक्शन का जब तक काम पूरा नहीं होगा वो एग्जीक्यूशन उसके आगे नहीं बढ़ेगी तो हमने अब यहां पर जैसे ही गेट लगा कि हम जब इसको कंपाइल करते हैं तो देखें अब हलार लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें अब जब तक मैं कोई की हिट नहीं करूंगा गेट स्केच अपना काम पूरा नहीं करेगा और अगर गेट स्केच का काम पूरा नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाएगी अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया या कोई भी की हिट की तो गेट स्टेच ने अपना काम किया और एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जिट हो गई सो अब जरा आते हैं भाई कि ये जो गेट सी एच है वो कहाँ से आ रहा है गेट सी एच बेसिकली आ रहा है कोनियो से फ्रंट है वो स्टूडियो से और गेट सी एच जो है वो कोनियो से और जो है वो, आ रहा है सो so, अच्छा उसके अलावा ये जो पांच बार हला लिखा हुआ आ गया रन टाइम पे ये क्यों आया ये इसलिए आया क्योंकि अब जितनी बार आप इसको कंपाइल कर रहे थे उतनी बार वो रन टाइम पर जो है वो उसको राइट कर रहा था डिस्प्ले कर रहा था अब वो रिमूव नहीं हो रहा पिछले वाला ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे क्लियर स्क्रीन लगाएंगे जैसे अब यहां पर देखें मैंने क्या कर दिया क्लियर स्क्रीन आपने एक और बात भी नोट करनी है कि फंक्शन के साथ मैं क्या लगा रहा हूं ब्रैकेट्स और टर्मिनेटर अगर मैं फंक्शन को बंद कर रहा हूं तो ओके तो अब मैंने यहां पर तीन फंक्शन यूज किए हैं दो फंक्शन की डेफिनेशन कॉनियो में है और एक की स्टूडियो में है तो यहां पर दो फंक्शन यूज किए हैं एक क्लियर स्क्रीन और दूसरा गेट सी एच बहुत ही सिंपल है अब इसको मैं कर रहा हूं कंपाइल देखें अब ओनली वन टाइम ही हालार लिखा हुआ है अब जरा इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ बैक्लेशन एन तो टू टाइम्स मैंने इसको एक तरह से इंटर की प्रेस की बैक एन स्केप सीक्वेंसेस ये भी हमारा टॉपिक है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बेसिकली uh, ये क्या है बैक एन तो फिलहाल ये समझें कि ये बैक बैकस्लेश एन है हमने इसलिए यूज किया है कि हमने हालार को दो लाइन्स नीचे करके लिखना था लाइन्स ब्रेक करके लिखना था दो लाइन्स ओके okay. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम आई होप आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझ आ गया होगा इसमें हमने एक फंक्शन को यूज किया है मेन को यूज किया है और हेडर फाइल्स सिंपल चलिए भाई मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट uh, फिलहाल के लिए और हमारा जो आज का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हम जरा उसको समझते हैं लैब टू अब इसमें डेटा टाइप क्या है भाई? डेटा टाइप असल में यहाँ पर अब इसको थोड़ा समझते हैं अलग से आप जो भी डेटा यहाँ पर देंगे प्रोग्रामिंग में उसका कोई ना कोई टाइप होगा भाई अगर फॉर सपोज आप कोई आ, नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप नंबर यहाँ पर नहीं देंगे आप क्या करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे ठीक है किसी भी टाइप का वो वेरिएबल होगा किसी भी डेटा टाइप का फॉर सपोज अगर मैंने कोई आ, न्यूमेरिकल डेटा को जो है वो स्टोर करवाना है तो मुझे क्या करना होगा एक डेटा एक वेरिएबल बनाना होगा किस टाइप का इंटीजर टाइप का अगर मुझे कोई करेक्टर को स्टोर करवाना है तो मुझे किस टाइप का डेटा uh, टाइप बना वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है अगर वेरिएबल को हम बिल्कुल आसान से उसमें कहेंगे भाई वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया है छोटा सा एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम क्या कर सकते हैं डेटा को होल्ड कर सकते हैं अब कितना डेटा उसमें होल्ड होगा वो डिपेंड करता है डेटा की टाइप पे मींस वो वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी है ठीक है वो कितना डेटा जो है होल्ड कर सकता है तो यहाँ पर हर एक वेरिएबल का नाम होता है भाई फॉर सपोज मैंने भी लिखा इंटीजर ए का मा बी फॉर सपोज अब यहाँ पर दो नाम मैंने दिए दो वेरिएबल बनाए ए और बी फॉर सपोज तो ए और बी क्या है दो अलग अलग वेरिएबल हैं इंटीजर के सही है तो इसका मतलब ये कि यहाँ अब ए और बी में आप दो कोई भी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं किसकी इंटीजर टाइप की मीन्स नंबर एक टाइप की और एक बात आपने याद रखनी है कि एक बार जो आपने नाम लिखा उसको उस नाम को रिपीट नहीं कर सकते मीन्स आप दो बार एक के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते और वेरिएबल किसी भी नाम का हो सकता है बस कुछ रूल्स का आपने फॉलो करना है कि जो वेरिएबल होगा वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडर स्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं नंबर्स या किसी और सिंबल के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं सो so, हर वेरिएबल का क्या होता है एक नाम होता है और उसकी सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी लोकेशन के लिए चलें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखी है इंटीजर एग्जाम्पल वन में आपको नज़र आ रहा है कि एक इंटीजर टाइप का आ, हमने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल का नाम लिखा है प्राइस प्राइस इक्व टू नाइन्टी फाइव अब हुआ ये कि प्राइस डेटा टाइप में सॉरी प्राइस वेरिएबल में जो कि इंटीजर का वेरिएबल uh, है उसमें क्या किया 95 को स्टोर किया ओके okay, तो अब ये हुआ कि 95 इसमें स्टोर हो गया हेयर प्राइस इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप हेयर द वैल्यू इज असाइंड अब हम अब क्या हो गया यहाँ पर बेसिकली वैल्यू असाइन हो गई इंटीजर को प्राइस uh, को 95 फाइव वैल्यू जो है वो असाइन हो गई इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास करेक्टर की तो करेक्टर सी एच इक्स टू ए अब यहां पर एक बात आपने नोट करनी है करेक्टर और नंबर टाइप के डेटा को स्टोर करवाना सेम नहीं है थोड़ा सा डिफरेंस है हाँ उसको डिस्प्ले करवाना इजी है सेम है इतना फर्क नहीं है बट उनको वैल्यू असाइन करना थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहां पर अगर मैं ये लिखूं ऐसे करके भाई सी एच टू ए तो ये ए को जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा वो कहेगा कि भाई शुड हेव अ प्रोटोटाइप या कुछ इस तरह का एरर दे देगा या भाई ये क्या चीज है ए ठीक है भाई ए को आपने यूज नहीं किया क्योंकि वो ए को एज ए वेरिएबल समझेगा बट आप उसको एक कोट लगा के लिखेंगे तो अब थोड़ा डिफरेंस होगा अब डिफरेंस ये कि ये अब करेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है ए जो है वो करेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है अब करेक्टर सी एच सी एच क्या है बेसिकली वेरिएबल है किसका करेक्टर का तो इसका मतलब ये कि सी एच में हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं बस वो क्या होना चाहिए करेक्टर का डेटा होना चाहिए इसी तरीके से हमने एक दूसरा भी बनाया स टू एल यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास नज़र आ रही होगी अच्छा रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ़ वेरिएबल इसको आप रीड कर लीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही से रूल्स लिखे हुए हैं वेरिएबल नेम कैन हैव ओनली लेटर्स बोथ अंडर स्कोर एंड लोअर केस सॉरी बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आपकी मर्जी आप उसको कैपिटल में लिखना चाहें या स्मॉल uh, में लिखना चाहें या एडजस्ट में अंडर स्कोर में बट आपने एक बात याद करनी है कि फर्स्ट लेटर जो है वेरीबल का वो जो है या तो कोई लेटर होगा अल्फाबेटिक लेटर होगा या अंडर स्कोर होगा नंबर नहीं होगा हाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई नंबर लाइक like, मैंने कहा भाई ए वन कामा ए टू इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं बट ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते भाई कि मैं यहाँ पर तो लिख रहा हूँ हम इस तरीके से तो वेरिएबल बना सकते हैं कि भाई ए वन कामा ए टू बट हम इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते वन ए टू ए तो ये जो है एरर है ठीक है सिंपल आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई अच्छा एक और बात रूल को आप थोड़ा सा देख लें थर्ड रूल जो है हमारा द वेरिएबल टाइप के नॉट बी चेंज वंस इट्स डिक्लेयर एक बार जब वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया टाइप किसी भी टाइप के साथ फॉर सपोज मैंने नंबर की टाइप के साथ इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया तो अब किसी और के साथ नहीं कर सकता ओके सो एग्जाम्पल थ्री हमारे पास है इंटीजर वेरिएबल मैंने वेरिएबल बनाया नंबर इक्स टू फाइव इंटीजर 5. अब यहां पर फ्लोट नंबर नहीं है देखा जाए तो वैसे अगर मैं इसको लिखूं मतलब क्योंकि फ्लोट में हम कौन सी टाइप की डेटा को इंस्टोल कर सकते हैं डेसिमल लाइक like पॉइंट वाली वैल्यू को बट यहां पर आप देखेंगे एरर बता रहा है एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने इंटीजर का नंबर पहले से ही यूज किया हुआ है इंटीजर के नंबर के नाम से पहले ही वेरिएबल यूज किया है तो आप दोबारा वेरिएबल को उस नाम से यूज नहीं कर सकते बेसिकली यहां पर मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स नंबर को यूज किया है एक बार इंटीजर uh, के लिए एक बार फ्लोट के लिए और एक बार डबल तो मल्टीपल टाइम्स आप ऐसा नहीं कर सकते ओके okay. उसके बाद थोड़ी सी इस टेबल को समझ लें हमारा जो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यूज तो थोड़ा सा इसको समझ लें टाइप जो कॉमन टाइप है मैंने यहाँ पर वो थोड़ी डिस्क्राइब की हुई है इंटीजर करेक्टर फ्लोट और डबल ये चार कॉमन टाइप्स हैं जो ज़्यादातर आप प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे इंटीजियर uh, और करेक्टर और फ्लोट तो और भी ज़्यादा तो इसकी साइज़ है फोर बाइट्स फोर बाइट तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और करेक्टर ओनली वन बाइट का होगा इन चीज़ों को ज़रा नोट कीजिएगा ये आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी बाद में असाइनमेंट भी और डबल जो है आठ बाइट uh, का ठीक है सो so, इनकी कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जैसे ये परसेंटेज डी परसेंटेज सी परसेंटेज एफ एंड एल एफ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है ये बेसिकली जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे कोई भी इंटीजर टाइप की तो हम उसका वेरिएबल देंगे और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे उसको क्या करवाने के लिए डिस्प्ले करवाने के लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू को तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर खैर इसका हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है आप इसको रीड कर लीजिएगा उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं वैसे तो हमने थोड़ा उसको समझ लिया लेकिन दोबारा एक बार देख लेते हैं इंटीजर्स आर होल नंबर्स डेट कैन हैव बोथ जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ बट नो डेसिमल वैल्यूज़ इंटीजर जो है पूरे हमारे पूरे नंबर जो जीरो से एंथ तक हम लिखे जा सकते हैं ठीक है बट डेसीमल नहीं हो लाइक फाइव पॉइंट फोर वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव तो इस तरह के वेरी वैल्यूज है वो इंटीजर्स नहीं है इंटीजर ऐसा हो सकता है माइनस फाइव माइनस थ्री फाइफ फोर तो ये क्या है Integers वो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं बट डेसिमल नहीं हो सकती है like वेरिएबल okay, num, बन चुका है किसका इंटीजर टाइप का वेरिएबल नंबर तो ये क्या है ये प्रोसेस इसको इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नंबर इक्व अब जो हमने नंबर वेरिएबल बनाया उसमें फाइव को स्टोर कर दिया

न डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल एट वंस इन प्रोग्रामिंग आप मल्टीपल वेरिएबल जो है वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में बट उनका नाम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए चलें जी। float है and double है। float की, थोड़ी सी डेफिनेशन हमने ऊपर पे की थी लेकिन दोबारा यहां पर करते हैं फ्लोट इज अ डेटा टाइप विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसा कि मैंने कहा वैसे तो फ्लोट और इंटीजियर में इतना खास वो नहीं है वो भी फोर बाइट का है वो भी फोर बाइट का है बट इंटीजियर जो है वो होल नंबर को स्टोर करता है और फ्लोट जो है वो होल नंबर के साथ साथ पॉइंट वैल्यूज को भी जो है स्टोर कर सकता है और उनको रिप्रेजेंट भी कर सकता है डबल क्या करता है डबल भी फ्लोट की तरह है बट इसका जो डेटा स्टोरेज साइज है वो फ्लोट से आ, भी डबल होता है सही है क्या जब अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है पॉइंट वाली तो उसके लिए आप अगर फ्लोट कम पड़ रहा है तो आप डबल यूज करेंगे सो so अगेन यहां पर डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि बट द डिफरेंस इज साइज ऑफ फ्लोट सिंगल फ्लोर डाटा टाइप इज फोर बाइट एंड द साइज ऑफ डबल डबल डेटा टाइप इज एट बाइट्स तो फ्लोट की जो टाइप है साइज वो फोर है और डबल की जो है वो एट बाइट्स है तो यहां पर देखें एक मैंने अच्छा लिखने का तरीका सेम जैसे कि उसका था जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेम ही होता है पर थोड़ा सा टाइप्स का फर्क होता है कि उसमें स्टोरेज कितना आ सकता है या क्या स्टोर आ सकता है लेकिन सिंटेक्स जो है वो सेम रहेगा तो ये वही डिक्लेरेशन प्रोसेस और ये जो है नीचे वाला वो भी डिक्लेरेशन प्रो, प्रोसेस ऊपर वाला फ्लोट के लिए नीचे वाला डबल फ्लोट के लिए उसके बाद हमारे पास है करेक्टर करेक्टर इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग करेक्टर टाइप वेरिएबल्स अब अगर हमने कोई करेक्टर टाइप की वेरिएबल को स्टोर करना है फॉर सपोज मैंने ए को स्टोर करवाना है ए जो है टेक्स्ट है करेक्टर है अगर मैंने इसको स्टोर करवाना है तो क्या करना पड़ेगा तो मुझे करेक्टर टाइप का वेरिएबल जो है बनाना पड़ेगा और उसको वहां पर स्टोर करना पड़ेगा सो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि हम इसको कैसे करते हैं तो इसका आप जो है प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा और आपने लैब मैनुअल में जाना है पेज नंबर एट यस पेज नंबर एट और आपको टास्क वन पेज नंबर एट अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च करें टास्क वन टास्क वन का ए एंड बी जो है आपको क्या करवाना है वो कंप्लीट करना है टास्क ए है डिस्प्ले द नंबर्स इन रिवर्स विदाउट वेरिएबल्स आपने विदाउट वेरिएबल्स को जो है रिवर्स में लिखना है Means 4, 3, 2, 1 लिखना है बट डिस्प्ले में ऐसा आना चाहिए ये तो वैसे मैंने बता दिया बट डिस्प्ले में कैसे आएगा वो आपने करना है देन सेकेंड है जो बी है टास्क वन का बी डिस्प्ले द नंबर्स इन रिवर्स वन टू थ्री फोर यूजिंग वेरिएबल्स टास्क सेम है वो है कि विदाउट वेरिएबल्स आपको जो है इन नंबर्स को रिवर्स करना है और सेकंड जो है यूजिंग वेरिएबल्स आपने इन नंबर्स को जो है वो रिवर्स करना है सो आई होप आप ये असाइनमेंट्स कर लेंगे और इसकी आपको लिंक मिल जाएगी देन उस लिंक पर ये आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है सो so, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो, वो है लैब थ्री ठीक है तो आज जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया हमने दो चीजों को डिस्कस किया सबसे पहले कि भाई डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप को असाइन किया असाइन कैसे किया जाता है ओके डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप को असाइन कैसे किया जाता है और उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है सो so, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की आज के इस टॉपिक में सो आई होप आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ आया है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं